हाई गायज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल सो गाइज इन दिस वीडियो वी विल कवरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फाइव ऑफिस ने चैप्टर इज इम्प्लॉयमेंट इनकम सो गायज बिफोर वी स्टार्ट टू थिंग्स तुम प्लीज मेरा जो ये चैनल है इसको शेयर इट एज मच एज यू कैन रीजन बींग मेरे बहुत टाइम से इट्स बीन लाइक वन और टू मंथ्स के मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम होते जा रहे हैं आई डोंट नो वॉट्स रीजन कि पहले जो सब्सक्राइबर्स मेरे थे स्टूडेंट्स यूज टू सब्सक्राइब स्टूडेंट्स यूज टू शेयर माई चैनल बट आजकल मैंने देखा है कि uh, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा चैनल शेयर नहीं करते बाद में उनको कहीं और से पता चलता है कि हाँ मेरा फ्रेंड भी वहाँ से कर रहा था उसने नहीं बताया तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू प्लीज़ शेयर माई चैनल एज मच एज यू कैन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोन्स डूइंग ए सी सी एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू इन माई अदर वीडियोज एज वेल आई ऑल्सो स्टार्टेड वीडियोज ऑफ क्लास ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो अगर तुम्हें लगे तो प्लीज़ मेरी वो ट्वेल्थ की वीडियोस भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो क्लास ट्वेल्थ में हैं कॉमर्स में इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम अनदर वेरी स्मॉल थिंग गाइस अगर तुम्हें वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं एंड तुम्हें समझ आता है सब कुछ एंड एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन तो जस्ट अ वेरी स्मॉल हेल्प इफ़ यू या कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ यू कैन डू इस वीडियो के नीचे तुम्हारे को जहाँ पे तुम्हारा लाइक का बटन है वहीं पर एक थैंक्स का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा if you feel like it's not compulsory but if you feel like you can click on thanks and uske andar jo bhi tumhara whatever contribution you want to give whatever to tum wo kar sakte ho it will be very helpful for me theek hai guys chalo so let's get back to the chapter So chapter में अभी तक guys, हमने बहुत सारे provisions, बहुत सारे rules पढ़े थे और मैंने तुम्हें काफ़ी जगहों पे बताया था कि कौन सी चीज़ें तुम्हें learn करनी है कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे को एग्जाम में गिवन होगी बट उसको कैसे एनालाइज करना है कैसे समझना है वो सारा मैंने तुम्हें काफ़ी सारी वीडियोस में बताया सो so, अब ये जो तो चैप्टर बचा है हमारा आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस जो बचे हैं वो कराऊंगा मैं इसके क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी क्यों इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हैं क्वेश्चन ईजी हैं लेकिन बट ये है कि उसमें जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी कंबाइन होकर कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बन जाएगा दो तीन एग्जाम्पल जो हैं वो मैं तुम्हें कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है कराने ताकि तुम कॉन्सेप्ट समझ सको ठीक है क्योंकि क्वेश्चंस कराने के बाद मेरे को कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि सर आपकी वीडियोज छोटे टॉपिक की होती है बट वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देती हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज मैं हर क्वेश्चन कोशिश करता हूँ सॉल्व करूँ चाहे वो लेन हो और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक है तो दैट्स अ पॉइंट अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो तुम या तो कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता देना अगर काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ मैं उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दैट इज शेयर इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है गाइज चलो लेट स्टार्ट और जो मैंने थैंक्स वाला बोला था वो याद रखना गाइस चलो एनी वेट स्टार्ट सो अब आता है प्रोविजन हमारा वैन्स का सो so, वैन्स क्या होती है वैन्स आर लाइक जैसे ये हमारा ऑफिस है और ये एक एम्प्लॉय का घर है ठीक है का घर है और यह हमारा ऑफिस है यह हमारा ऑफिस है तो इंप्लॉयर ने क्या किया हुआ है ने एक वैन दी हुई है ठीक है दिस इज अ वैन ने वैन दी हुई है कि इस वैन में यह वैन वाला क्या करता है ड्राइवर यह जाता है सुबह सुबह काफी सारे घरों से जैसे दस एक इंप्लॉय को ले आता है ऑफिस के अंदर सो लाइक इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को एक एडिशनल uh, बेनिफिट दिया हुआ है कि आपको घर से ऑफिस आने की जरूरत अपनी पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से नहीं है ना आपको पार्किंग का इशू आएगा आप सिंपल ऑफिस आ जाओ हम ही आपको वैन भेज रहे हैं और उसी वैन में आप आके जा सकते हो सुबह आने का और शाम का इससे जाना दैट इज लाइक अ वैन ठीक है सो द बेनिफिट रूल्स फॉर वैन आर डिफरेंट फ्रॉम दैट डूज ऑफ कार्स सो द टैक्सीबल बेनिफिट फॉर प्राइवेट यूज ऑफ वैन इज फ्लैट स्केल चार्ज ऑफ थर्टी फाइव हंड्रेड पर एनम तो घर से ऑफिस ऑफिस से घर ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में इस चैप्टर की कि ये प्राइवेट यूज ही होता है ये हमारा ऑफिशियल यूज़ नहीं होता ऑफिस में आने के बाद जो भी मूवमेंट होती है एम्प्लॉय की फॉर ऑफिशियल पर्पस वो ही हमारा ऑफिस का एक्सपेंस माना जाता है अदरवाइज अगर पर्सनल चीज के लिए ऑफिस से घर घर से ऑफिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट एक्सपेंस सो वैन का नॉर्मल है थर्टी फाइव हंड्रेड पर एनम जो टैक्सीबल होगा इर ऑफ कितना यूज़ हुआ है क्या है कैसे वैन प्रोड्यूसिंग सी ओ टू एमिशन जीरो सी ओ टू एमीशन है उसमें कोई बेनिफिट चार्ज नहीं है ठीक है नो बेनिफिट अराइज इज वेर प्राइवेट यूज ऑफ वैन इज इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो वैन ऑफिशियल के लिए भी यूज हो रही है पर्सनल के भी यूज हो रही है लेकिन हम बायफकेट नहीं कर पा रहे कि ये वैन कितना टाइम घर के लिए चलती है कितना टाइम ऑफिस के लिए जैसे वैन क्या करते हैं को लाती है घर से लेके उनको घर के पास दूसरे ऑफिस में भी लेके जाती है क्लाइंट प्लेस पे जैसे हमारे ऑफिस का कोई क्लाइंट है उसके पास जाना है फिर वहाँ से ऑफिस भी लेके आना है तो अगर वो इनसिग्निफिकेंट है या बहुत छोटा अमाउंट है कि इम्प्लॉय ऑफिशियल ये जो वैन है ये मोस्टली ऑफिस के लिए ही यूज़ होती है पर्सनल के लिए बहुत कम यूज़ होती है वहाँ पर कोई भी बेनिफिट अराइज नहीं होता वेन द लेवल ऑफ प्राइवेट यूज़ जर्नी बिटवीन होम एंड वर्क आर इग्नोर्ड अब यह हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आया है ठीक है मैंने से, ऑफिस से की वैन से जा रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा जाएगा वो हमारा प्राइवेट नहीं माना जाता वो इस केस में स्पेसिफिकली ऑफिशियल माना जाता है तो ठीक है इस पार्ट को स्टार मार्क कर लेना

तो एक महीना मिनिमम वो रिपेयर में होनी चाहिए और बिफोर एंड आफ्टर यूज भी कार का होना चाहिए तो अगर एक महीना वो रिपेयर में गई है या एक महीने से ज्यादा गई है तो उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे बिल्कुल सेम प्रोविजन जो हमने कार्स के केस में पढ़ा था तो तुम सबको याद होगा थर्टी डेज वाला वेयर इंप्लॉय शेयर ऑफ प्राइवेट यूज ऑफ वैन द स्केल चार्जेस इज डिवाइडेड बिटवीन इंप्लॉयज ऑन जस्ट एंड रीजनेबल बेसिस एग्जाम्पल बाई रेफरेंस टू अमाउंट ऑफ प्राइवेट यूज़ अगर हमें देखना है कि एम्प्लॉय का कितना प्राइवेट यूज़ है कितना पर्सनल यूज़ है तो हम बेसिकली उसको जस्ट एंड रीजनेबल बेसिस के रीजनेबल बेसिस पे देखेंगे हमें कुछ ऐसा नहीं लगाना कि एम्प्लॉय इतने किलोमीटर इतना चला ये चला वो चला ऐसा नहीं देखना हमें लॉजिकल देखना है कि यार ये कार एक आधी बार वो वैसे ही किसी रास्ते, रास्ते में कहीं रुक गया अपने फ्रेंड के पास चला गया वैसे तो ऑफिस के काम से ही जाता है तो एक रीजनेबल चीज़ हमें देखनी है इन एडिशन टैक्सीबल बेनिफिट ऑफ इन एडिशन टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ सिक्स सिक्सटी नाइन पर एनएम वेयर वैन फ्यूल इज़ प्रोवाइडेड फॉर प्राइवेट माइलेज अगर हमने वैन को प्राइवेट यूज करने के लिए दिया है एम्प्लॉय को और हम उसका पेट्रोल भी दे रहे हैं तो हमें सिक्स सिक्सटी नाइन पर एनएम एक्स्ट्रा उसका बेनिफिट टैक्स करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम थ्री थर्टी फाइव हंड्रेड तो अगर प्राइवेट यूज ऑफ वैन है तो थर्टी फाइव हंड्रेड और अगर वैन के साथ साथ हम उसको पेट्रोल भी दे रहे हैं तो सिक्स सिक्सटी नाइन पर एनअम भी टैक्सेबल होगा देर इज नो फ्यूल बेनिफिट फॉर कंपनी वेयर वैन प्रोड्यूसि जीरो सी ओ टू एमिशन तो सी ओ टू एमिशन नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है द बेनिफिट फिगर इन रिस्पेक्ट ऑफ वैन एंड वैन फ्यूल्स आर इंक्लूडेड इन टैक्स एंड अलाउंस और हमें ये एग्जाम में गिवन होगा चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने हमें बता दी सिंपल अब नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिशियल लोन अब बेनिफिशियल लोन क्या होता है देखो ये है हमारा इंप्लॉयर और ये है इंप्लॉय ठीक है इंप्लॉय को लोन चाहिए था तो इंप्लॉय अगर बैंक में जाता लेट से तो बैंक से अगर वो इंटरेस्ट पे लोन लेता तो इसको टू परसेंट पर एन पे लोन मिलता लेट से जस्ट एन एग्जाम्पल इंडिया में रेट बहुत ज्यादा है बट नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में रेट कम है तो टू परसेंट पर एन में उसको बैंक से लोन मिलता इंप्लॉयर ने क्या किया एम्प्लॉयर ने बोला कि तू मेरे से लोन ले ले एम्प्लॉयर ने उसको वन परसेंट पर एनम पे लोन दे दिया तो देखा जाए तो इंप्लॉय को एक बेनिफिट मिल गया कि जो लोन वो बाहर से टू परसेंट पे लेता था एम्प्लॉयर ने या इसको मैं वन पॉइंट फाइव कर देता हूं वन पॉइंट फाइव परसेंट पर एनम पे उसको लोन दे दिया इट मीनस इंप्लॉय को इस केस में जीरो पॉइंट फाइव परसेंट पर एनम का बेनिफिट हो गया हुआ है कि नहीं है ना कि मार्केट से लेता तो टू परसेंट पर लेता लेकिन इंप्लॉयर से वन पॉइंट फाइव परसेंट पर लिए तो पॉइंट फाइव परसेंट का एक एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया और ये बेनिफिट हम टैक्स करेंगे ठीक है अब इम्प्लॉयर नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी इंप्लॉय जो अपनी इंप्लॉयज़ को लोन देती हैं एट अ रीजनेबल रेट उनको क्या होता है कि लोन दे दो उनको बोलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है जो भी तुम्हें सैलरी देंगे उसी में से हर महीने पैसे काटते रहेंगे बहुत कंपनीज देती हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज गिव लोन टू एम्प्लॉई का प्रोविजन होता है कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो आपकी सैलरी में से ये पैसे कट जाएंगे ठीक है सो द बेनिफिशियल लोन्स आर दोस मेड टू एन एम्प्लॉई एट अ रेट बिलो द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आई है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एचएमआरसी का है दैट इज 2% पर एनम फॉर करंट ईयर जो करंट टैक्स ईयर है हमारा उसके लिए इट इज 2% पर एनम और ये हमें एग्जाम में जो हमारे को टैक्स सेट्स वगैरह है वहां पे ये चीज गिवन होगी ठीक है नेक्स्ट इंप्लॉयज आर लाइबल टू बेनिफिट ऑन चार्ज कैसे इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन ऑन लोन मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि ओ आर आई अगर टू परसेंट है तो टू परसेंट पे कितना इंटरेस्ट होगा जो उनको देना था लेस इंटरेस्ट एक्चुअली पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर जब हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक्चुअली तो वन पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट इंप्लॉयर को पे किया है तो जो भी बचा है दैट इज टैक्सेबल बेनिफिट ठीक है सिंपल है अब हमारा पॉइंट आता है यहां पे इंपॉर्टेंट वो क्या है कि अब हम इस केस में ये वाला इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन इस पे हम इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करें क्या ऑप्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अगर इंप्लॉई हर महीने रीपेमेंट करता है तो ये तो काफी लंबा काम हो जाएगा हमारे लिए हर महीने उसके लोन पे इंटरेस्ट निकालो है ना

दो मेथड्स क्या होते हैं तो इन्होंने हमारे लिए एक इजी मेथड बनाया है और एक नॉर्मल मेथड बनाया है ठीक है एक आता है इजी मेथड। अब इजी मेथड का मैं एक बार नाम देख लेता हूं क्या दिया हुआ है इट इज कॉल्ड एवरेज और सिंपल मैथडे एवरेज मेथड बताया हुआ है सो इजी मैथड और एवरेज मैथड सो एवरेज मेथड या इजी मेथड में क्या होगा हम लेखेंगे हम इसमें लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कि जब लोन लिया था बिगनिंग और बिगनिंग और इफ लोन टेकन इन बिटवीन द ईयर देन लोन ऑन देन लोन टेकन अब इसका मतलब क्या है या तो दो चीजें होंगी या तो मान लो हमारा बहुत पुराना लोन चल रहा है तो साल की शुरुआत में दैट इज ऑन फिफ्थ अप्रैल हमारा फिफ्थ अप्रैल 2021 इस डेट को कितना लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था दैट इज दोन आउट स्टैंडिंग एट द बिगनिंग या फिर अगर हमने लोन ही ड्यूरिंग द ईयर लिया है तो जिस डेट को हमने लोन लिया है उस डेट को कितने का लोन हमने लिया है तो या तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग या फिर लोन टेकन अगर हमने लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है ठीक है <coughs> एक सेकंड गाइस ठीक है तो ये है हमारा इजी मेथड तो लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और इफ लोन टेकन इन बिटवीन द ईयर देन लोन टेकन प्लस लोन आउटस्टैंडिंग एट दी एंड के साल के एंड में ये सॉरी सिक्स अप्रैल आएगा साल के एंड में यानी फिफ्थ अप्रैल 2022 को कितना लोन आउटस्टैंडिंग है और इफ लोन कंप्लीटली रीपेड ड्यूरिंग the year, देन आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट पेमेंट आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट पेमेंट तो दो ऑप्शन हमारे होंगे या तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड या फिर अगर हमने सारा का सारा लोन क्या बोला मैंने सारा का सारा लोन हमने साल के बीच में ही पे कर दिया तो लास्ट इंस्टॉलमेंट किस अमाउंट की पे की है डिवाइड बाय ये मैंने क्या करा लोन आउटस्टैंडिंग एट देखो सिंपल फॉर्मुला तुम्हारा क्या होगा ये तो मैंने थोड़ा डिटेल बताया है कि अगर एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी आ जाता है कि लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग साल में जितना मर्जी वो रीपे कर रहा हो जैसे मान लो साल के शुरुआत में हमारा लोन आउटस्टैंडिंग था टेन थाउजेंड का वो हर महीने फाइव हंड्रेड रीपे कर रहे हैं तो फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व दैट मीन उसने सिक्स थाउजेंड रीपे कर दिए होंगे तो लास्ट आउटस्टैंडिंग हमारा कितना रह गया होगा फोर थाउजेंड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इज टेन थाउजेंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड दोर थाउजेंड तो टेन थाउजेंड प्लस फोर थाउजेंड डिवाइड बाय टू ये आ जाएगा हमारा एवरेज और एवरेज इन टू ओ सी आई ओ सी आई बोलते हैं ना ओ आर आई सॉरी ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू ओ आर आई इन टू प्रोपोशनेड अगर हमने लोन साल के बीच में पे कर दिया या लोन साल के बीच में लिया हुआ है अगर ये दोनों केसेस है हमारे दैट मीन्स हमारा लोन पर ओ आर आई पर एनम जो होता है तो पर एनम इंटरेस्ट रेट है तो हम पर एनम के साथ इसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे कि अगर लोन हमने छह महीने बाद पे कर दिया तो इंटू सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व तो ये है हमारा सिंपल मेथड मैं अभी इसको बताता हूँ तो सिंपल मेथड हम ऐसे अपना लोन निकालेंगे तो तुम चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग प्लस लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड डिवाइड बाय टू ये हमारा एक एवरेज लोन आ गया ड्यूरिंग द पीरियड इन टू ओ आर आई पर इन टू प्रोपोशन इफ प्रपोशन इफ देयर इफ बस प्रोपोशन प्रोपोशन मतलब अगर हमने साल के बीच में सारा रीपे कर दिया या फिर अगर साल के बीच में हमने लोन लिया है तो इसको प्रोपोशनेट करेंगे अदरवाइज नॉट ये है हमारा ईजी मेथड और दूसरा आता है हमारा दैट इज प्रिसाइज और एक्यूरेट मेथड इसमें हम सिंपल जो भी हमारा बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर लोन निकालते रहेंगे जैसे एग्जाम्पल इसको रब करता हूं पहले तुम चाहो तो पॉज करके इसको एक बार लिख सकते हो समझ सकते हो अब हमारा जो सिंपल दूसरा मेथड है एक्यूरेट मेथड वो क्या है याद रखना का लोन हमेशा निकलता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूं अप्रैल है ये भी अप्रैल है ठीक है दिस इज सिक्स अप्रैल दिस इज फिफ्थ अप्रैल तो जैसे मान लो आउट स्टार्टिंग में मेरा लोन था टेन थाउजेंड का आउटस्टैंडिंग मैंने थर्टीथ जून को फाइव हंड्रेड रीपे कर दिए मैंने थर्टीथ सितंबर को टू थाउजेंड रीपे कर दिए मैंने फर्स्ट फेब को लेट से मैंने थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव हंड्रेड रीपे कर दिए तो अब मुझे देखना है कि इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा तो इसका सिंपल तरीका क्या है हमें देखना है लोन आउटस्टैंडिंग कितना है तो टेन थाउजेंड आउटस्टैंडिंग था इस पीरियड के लिए अप्रैल मई जून दैट मींस टेन थाउजेंड इंटू ओ आर आई थ्री डिवाइड बाई ट्वेल्व के थ्री मंथ्स के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग लोन था टेन थाउजेंड फिर हमने फाइव हंड्रेड रीपे कर दिया तो हमारा बैलेंस रह गया नाइनटी फाइव हंड्रेड थाउजेंड में से हमने फाइव हंड्रेड रीपे कर दिया, जून से, के से तो कि हमारे पास 9500 फाइव हंड्रेड कितने टाइम के लिए रहा है थ्री मंथ्स के लिए फिर हमने टू थाउजेंड रीपे कर दिया तो 9500 फाइव हंड्रेड में से टू थाउजेंड चला गया यहाँ रह गया सेवेंटी फाइव हंड्रेड ये कितने टाइम तक रहे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जैन क्योंकि फर्स्ट फेब को तो हमने इसमें से इतना पे कर दिया तो सेवन हंड्रेड इंटूआर डिवाइड बाई है? और फेब, मार्च पूरा फेब पूरा मार्च तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड में से थर्टी फाइव हंड्रेड हमने यहाँ पे रीपे कर दिया तो यहाँ पे हमारा रह गया फोर थाउजेंड और फोर थाउजेंड रहा है हमारा टू मंथ्स के लिए तो फोर थाउजेंड इंटू ओ आर आई इंटू फोर डिवाइड बाई है ये हम निकालेंगे अपना इंटरेस्ट एक्यूरेट मेथड से ठीक है यह है हमारा एक्यूरेट मेथड इंटरेस्ट निकालने का और एक कौन से इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं इस वाले इंटरेस्ट की इंटरेस्ट दैट वुड द लोन ठीक है इंटरेस्ट दैट वुड है इसके दो मेथड होते हैं या तो एक्यूरेट मेथड या फिर उस हाँ, हाँ या फिर सिंपल मेथड जो हमने पहले पढ़ा था जो इंटरेस्ट एक्चुअली पेड होता है जो इंटरेस्ट एक्चुअली पेड है ये ये जो 1.5 वाला था ये वाली कैलकुलेशन हमेशा इसी तरीके से होगी क्योंकि इंटरेस्ट तो ऐसे ही पे किया जाता है अगर तुमने किसी से लोन लिया हुआ है तो तुम इंटरेस्ट तो ऐसे ही पे करोगे ना तो एक्चुअली इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो बिल्कुल यही आता है ठीक है और इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन पेबल ऑन लोन ये भी इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं बस यहां पे क्या होगा परसेंटेज चेंज हो जाएगी यहां पे ओ आई आ जाएगा और एक्चुअली में जो हमने रीपे किया जैसे 1.5 परसेंट तो यहां हर एक में 1.5 परसेंट आ जाएगा तो पॉइंट इज जब भी लोन साल के बीच में रीपे होता है या तुमने लोन और बढ़वाया है तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी और अगर तुम ये कैलकुलेशन करते हो तो पहले मेथड में तुम ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो और वैसे भी आंसर निकाल सकते हो दोनों इजी हो जाएंगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करी हुई है सिर्फ परसेंटेज चेंज करनी है पे ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ये तुम्हें वैसे पता होगा ये हमने एफ भी कर चुके हैं थ्री भी कर चुके हैं सो यू शुड नो दिस सो ये सारे इसमें बताया हुआ है अब पॉइंट इज वैसे तो जो एक्यूरेट मेथड होता है वो हमेशा हमें डे टू डे के अकॉर्डिंग निकालना होता है जैसे सिक्स अप्रैल है तो सिक्स अप्रैल से थर्टी जून तक कितना बनता है तो इंटू थ्री बाई ट्वेल्व की जगह हम डेज डिवाइड बाय थ्री सिक्सटी फाइव करेंगे एक्चुअली ऐसा होता है जब हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में अपनी सॉरी नॉट एग्जाम में रियल लाइफ में करते हैं लेकिन फॉर एग्जाम हमें कैलकुलेशन जो है वो मंथली बेसिस पे करनी है जैसे हमने ऊपर करी है अब इंपॉर्टेंट बात अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि तुम्हें कौन सा मेथड यूज करना है इस इंटरेस्ट के लिए नीचे वाला तो मैंने बताया ऐसे ही कैलकुलेट करना है एक्चुअल वाला लेकिन अगर इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन वुन जो ओ आर आई के अकॉर्डिंग निकलता है इसमें नहीं बताया हुआ कैसे करना है तो ये हमारे लिए थोड़ा एक सेटबैक है यहां हमें दोनों मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा सो द टैक्सेबल बेनिफिट शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग बोथ दी मेथड्स इन द अनलेस क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज क्वेश्चन में बोला हुआ तो है तो ठीक है नहीं बोला तो हमें दोनों मेथड से अपना आंसर निकालना पड़ेगा सो so नेक्स्ट अब छोटी छोटी चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं सो so पहला की पॉइंट हमारा क्या है कि एक एग्जाम्पन आती है मतलब एक्सेप्शन आती है कि अगर मान लो जो इंप्लॉयर है उसने जो टोटल ऑफ ऑल इंप्लॉयज चीप और इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर ने अगर टोटल जो लोन दिया हुआ है अपने एंप्लॉयज को टेन थाउजेंड पाउंड से ज्यादा नहीं है नॉट मोर देन टेन थाउजेंड पाउंड कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है ठीक है क्या बोला मैंने कि अगर अपने इंप्लॉयर ने टोटल लोन जो अपने इंप्लॉयज को दिया है वो टेन थाउजेंड से कम है तो इंप्लॉयज के हाथ में कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट नहीं है चाहे इंटरेस्ट कम दिया है चाहे विदाउट इंटरेस्ट चार्ज किया दूसरा अगर कोई इंटरेस्ट फ्री या चीप लोन जो है वो इंप्लॉय ने इंप्लॉयर को दिया इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को दिया है फॉर अ क्वालिफाइंग पर्पज जो हमने चैप्टर नंबर टू में पढ़ा था कि क्वालिफाइंग पर्पज मतलब कि इनफाइ क्वालिफाइंग uh, qualify, जैसे अगर मैंने ऑफिस में यूज करने के लिए कोई एसिड परचेज किया है याद नहीं वो सारे हमने पढ़े थे तो वो सारी चीजों के लिए अगर इंप्लॉय ने लोन लिया है तो उस पर भी कोई बेनिफिट नहीं है मतलब उन इंटरेस्ट को हमने रिलीफ लिया था उसका जो भी हमने इंटरेस्ट उस लोन पे रीपे किया था हमने उस पर रिलीफ लिया था जैसे लोन टू बाय प्लांट Which is used for तो उस case में हम कोई भी टैक्सेबल इफ ऑल आर पार्ट ऑफ द लोन टू इम्प्लॉय इज रिटर्न ऑफ वेदर नॉट मेड ऑन लो इंटरेस्ट इन इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न ऑफ मतलब कि वो खत्म हो गया इंप्लॉय ने अपनी बुक्स में से हटा दिया कि भैया इस इंप्लॉय से पैसे कभी नहीं आएंगे रिटर्न ऑफ मतलब जैसे बैड डेट्स होते हैं इनड इन रिकवरेबल डेट होते हैं कि हमें पैसे कभी नहीं आने वाले अगर कोई भी लोन राइट ऑफ हो गया अमाउंट ऑफ राइट ऑफ इज ट्रीटेड एज अ टैक्सीबल बेनिफिट एंड चार्ज टू इनकम टैक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंप्लॉय को हमने थ्री थाउजेंड पाउंड का लोन दिया था ठीक है और हुआ क्या इंप्लॉय ने फाइव हंड्रेड पाउंड का लोन दे दिया रीपे कर दिया इसके बाद कुछ भी रीपे नहीं करा जो भी बैलेंस था नहीं करा दिया ही नहीं case, पूरा -पूरा 2500 को अपनी बुक्स में से राइट ऑफ करना पड़ेगा कि भैया ये लोन तो राइट ऑफ हो गया इंप्लॉयर से इंप्लॉय से कभी आना ही नहीं है तो उस केस के अंदर ये पूरा का पूरा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो लोन इंप्लॉय ने पे ही नहीं करा उसको हम बेनिफिट मान लेंगे और इस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे क्यों लॉजिक सही है ना कि हमने अगर लोन ही नहीं पे किया तो हमें फ्री का बेनिफिट मिल गया तो इसको भी हम टैक्स करेंगे पूरा पूरा टैक्स करेंगे इस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये तो पूरा पूरा टैक्स हो जाएगा सो so, क्वेश्चन करते हैं इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हारे को बहुत अच्छी से समझ आएगी चीजें ध्यान से देखना है क्वेश्चन नॉट वेरी डिफिकल्ट सिर्फ कैलकुलेशन वर्किंग है इसमें ठीक है चलो एक सेकंड गाइस। सो अब यहां पे लोन क्वेश्चन क्या है सॉरी मैं लोन बोल गया सीधा डैनियल वॉज ग्रांटेड लोन ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड बाई हिज इंप्लॉयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्टी फर्स्ट मार्च को हमने लोन दिया था और जो टैक्स हमारा स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम कब होता है स्टार्ट सिक्स से जो मेरी बहुत डेट होती है सो टू हेल्प फाइनेंस ऑफिशियल पार्ट प्राइवेट यार्ड इज लाइक लाइक अ बोट जो प्राइवेट पर्पज uh, uh, like like के लिए ही यूज होती है मोस्टली और यहां पे क्वेश्चन बताया भी नहीं हुआ कि ये किसी पर्सनल पर्पज के लिए ठीक है आगे सो so, उंड इंटरेस्ट पेबल ऑन दोन इज एट वन परसेंट पर एनम हमें वन परसेंट पर एनम में इंटरेस्ट देना है अब वन परसेंट पर एनम में हमें इंटरेस्ट देना है और जो ओ ओ आर है वो हमने पढ़ा था दट इज टू परसेंट पर एनम तो मतलब हमें वन परसेंट का एक बेनिफिट हो गया ऑन फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन डेनियल रीपेड फाइव थाउजेंड एंड ऑन फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फर्दर रीपेड फिफ्टी थाउजेंड रिमेनिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग है कितना इंटरेस्ट पे करना है अब जो इंटरेस्ट पेबल है उसको निकालने के मैंने दो तरीके बताए थे सिंपल मैथड और एक एक्चुअल मैथड या एक्यूरेट मेथड तो सिंपल मेथड में थर्टी फर्स्ट मार्च को 21, हमारा कितना था? अब लोन हमने साल के बीच में रीपे किया है लेकिन पूरा का पूरा लोन रीपे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड हमारा कितना है डिवाइड बाई टू ये आ जाएगा हमारा एवरेज लोन ड्यूरिंग द ईयर इंटू टू परसेंट और proportionate हम पूरा पूरा ट्वेल्व कर देंगे क्योंकि पूरा लोन आउटस्टैंडिंग रहा है साल में हमने बीच में पूरा पूरा लोन रीपे नहीं करा ना हमने साल के बीच में लोन लिया था तो थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड बाई टू इंटू टू परसेंट तो ये हो गया हमारा फाइव हंड्रेड तो एक ऑप्शन आया है हमारा फाइव हंड्रेड दैट इज सिंपल मेथड ठीक है अब दूसरा है हमारा एक्यूरेट मेथड अब ये guys बहुत ध्यान से देखना बहुत 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 ध्यान से देखना ये वाला ठीक है थर्टी फाइव थाउजेंड आउटस्टैंडिंग था उसके बाद फर्स्ट जून को फाइव थाउजेंड रीपे कर दिया दैट मीन थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टू अपॉन हंड्रेड इंटू पूरा पूरा अप्रैल हमारे पास रहे पूरा पूरा मे हमारे पास रहा 35, 000. 5, 000 जून में रीपे किया के लिए रहा, तो तो ये तो हो गया टू का इंटरेस्ट, हमने 5, रीपे कर दिया, बैलेंस कितना रह गया हमारे पास इस के थर्टी थाउजेंड ये हमारे पास कब तक रहा तो है तो जून अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर फर्स्ट दिसंबर को हमने फिफ्टीन थाउजेंड रीपे किया है तो सिक्स मंथ तक हमारे पास थर्टी थाउजेंड रहा है तो थर्टी थाउजेंड इस पर भी टू परसेंट इन टू सिक्स डिवाइड बाय ट्वेल्व ये हो गया हमारा सेकेंड वाला लोन जो हमने रीपे किया है अब यहां पे हमने फिफ्टीन थाउजेंड रीपे कर दिया थर्टी थाउजेंड में से फिफ्टीन रीपे कर दिया बचा फिफ्टीन तो फिफ्टीन कितने टाइम तक रीपे रहा है तो फर्स्ट दिसंबर तो दिसंबर जैन फेब मार्च फोर मंथ्स के लिए हमारे पास फिफ्टीन थाउजेंड आउट रहा है तो फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टू अपॉन हंड्रेड इंटू फोर डिवाइड बाई ट्वेल्व अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैं सबको बता दूँ सिक्सथ अप्रैल को एक तरह से हम फर्स्ट अप्रैल ही मान के चलेंगे ठीक है हम सिक्स अप्रैल को एक तरह से फर्स्ट अप्रैल मान के चलेंगे हम ये नहीं मानेंगे सिक्स अप्रैल है तो इसका मतलब ये है कि हमें सिक्स टू सिक्स देखना है तो सिक्स मे सिक्स जून ऐसा नहीं है ठीक है हम इसको बहुत ईज मान के चलते हैं ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते ठीक है तो फाइव हंड्रेड हमारा लोन यहां पे आ रहा है ये कैलकुलेट करता हूं मैं एक बार सो थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू टू डिवाइड बाय हंड्रेड इंटू टू आता है ओके okay. तो इसको मैं वन वन सेवन कर देता हूं तो ये आ रहा है मेरा मैं यहां लिख देता हूं वन वन सेवन इंटरेस्ट यहां आ रहा है थर्टी थाउजेंड इंटू टू परसेंट इंटू सिक्स डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड और ये फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टू परसेंट इंटू फोर डिवाइड बाई ट्रेड सो दैट मींस हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस दैट मीन्स फाइव वन सेवन प्रिसाइज मेथड से जो हमारा इंटरेस्ट पेबल आ रहा है वो आ रहा है 517. अब देखो हमारा पहले जो इंटरेस्ट आ रहा था नॉर्मल मेथड से सिंपल मेथड से वो आ रहा था फाइव हंड्रेड और प्रिसाइज मेथड से आया है फाइव वन सेवन अब अगर हमारा इंटरेस्ट पेबल ज्यादा है जो एक्चुअली पेड है वो तो उतना ही रहेगा वो तो दोनों केस में सेम ही रहेगा सो इट मीन वज दिस मीन कि ये वाला बेनिफिट हमें ये वाला बेसिकली गवर्नमेंट को ज्यादा बेनिफिट देगा कि हमने फाइव वन सेवन लोन रीपे करना था लेट से हमने रीपे किया थ्री हंड्रेड तो टैक्सेबल बेनिफिट कितना होगा टू वन सेवन अगर हम फाइव हंड्रेड लेके चलते हैं तो फाइव हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड तो टैक्सेबल बेनिफिट हो गया टू हंड्रेड तो देखा जाए तो डिपार्टमेंट को इस अमाउंट पर ज्यादा बेनिफिट है तो हो सकता है जो हमारा एच एम आर सी है जो हम दोनों कैलकुलेशन करके भेजें उनको तो वो ये वाली सिलेक्ट करें और इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करें ये हमारे ऊपर है एम्प्लॉयर के ऊपर है और एच एम आर सी के ऊपर है सॉरी हमारे ऊपर है टैक्स पेयर के ऊपर कि हम कौन सी कैलकुलेशन करते हैं मान लो हमने इसके अकॉर्डिंग टैक्स कैल देना हमें दोनों पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग हमने टैक्स कैलकुलेट करके भेज दिया कि इतना टैक्स हमारा बनता है एच एम ने जब कैलकुलेट किया दूसरा मेथड तो देखा नहीं यार इस तो ज्यादा बेनिफिट बन रहा है तो उन्होंने कैलकुलेट कर पे हम पे हम डिमांड निकाल दी तो ये हमारे ऊपर है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड में ज्यादा टैक्स लग रहा है तो टेक्निकली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही कहूंगा सबको कि तुम ज्यादा वाला लेके चलो क्यों उससे क्या होगा कि कल को एच एमआरसी पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती कि तुमने जो बेनिफिशियल मेथड था वो यूज कर लिया और कम टैक्स पे किया ठीक है तो लेकिन तो ले एग्जाम के लिए हमारे को दोनों मेथड से अपना आंसर निकालना है तो ये तो निकल गया मेरा इंटरेस्ट पेबल ये क्या निकल गया मेरा इंटरेस्ट पेबल अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्चुअली एक्चुअली पेड तो पेड सो में फर्क क्या होगा ध्यान से देखना गाइस ध्यान से ये टू परसेंट की जगह ये टू परसेंट की जगह मेरा आ जाएगा वन परसेंट क्योंकि एक्चुअली मैंने वन परसेंट पे करा है देखो रीपेमेंट टाइम तो ऐसा ही है तो इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा तो 2% की जगह यहाँ पे 1% आ जाएगा तो मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ इसका एक सिंपल शॉर्टकट 2% पे हमारा लोन कितना आया 517 गाइस ध्यान से सुनना ये मैथ्स का पॉइंट है सिंपल पॉइंट है 2% पे अगर हमारा आंसर 2% पे अगर हमारा आंसर आया 517 तो 1% पे कितना आएगा दैट इज 517 डिवाइड बाय 2 है ना

और 1.5 पे कितना होगा 517 वन सेवन डिवाइड बाई टू इन वन इसी को प्रपोर्शनेट बोलते हैं इसी को हम वो बोलते हैं प्रोराटा करना तो इस तरह से मैं अपना आंसर निकालता हूँ क्योंकि हमें अपना आंसर निकालना है अगर बड़े क्वेश्चन में तरीके से सॉल्व करना है तो हमें यही करके दिखाना पड़ेगा ठीक है तुम तो बुक में देखोगे सॉल्यूशन देखो इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि एक्चुअली लेस एक्चुअली इंटरेस्ट पेड सारे केसेस में इन्होंने वन परसेंट पे निकाल के दिखाया हुआ है Luckily, इनका भी ही आ रहा है और इतना ही आएगा लॉजिक सेम है ना हमारा लॉजिक तो सही है गलत तो है नहीं तो पॉइंट इज हमें ऐसे अगर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला गया है, तो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा लेकिन अगर हमें छोटा क्वेश्चन बोला गया है कि कि सिंपल बताओ आपका टैक्सेबल बेनिफिट कितना होता है दोनों मेथड से तो हम सिंपल टू परसेंट पे निकाल देंगे साथ ही उसका प्रोरेट करके वन परसेंट पर निकाल देंगे तो हमारा बेनिफिट क्या होगा तो दिस वॉज इंटरेस्ट पेबल अब एक्चुअली पेड एक्चुअली पेड हर केस में मैंने निकाला टू वन एट सो दैट मीन्स हमारा जो बेनिफिट होगा टैक्सेबल बेनिफिट दैट मीन्स दैट विल बी फाइव हंड्रेड माइनस टू वन एट इट इज टू एट टू यहां पे फाइव हंड्रेडी फाइव वन सेवन माइनस टू वन एट इट विल बी टू नाइन नाइन नहीं 258 आएगा सॉरी गाइस मैंने 218 लिख दिया 258 है तो so 500 258 इट इज 242 500 ओ सॉरी oh 517 258 इट इज 259 सो so देखा जाए तो टैक्सेबल बेनिफिट हमारा इसी मेथड में ज्यादा बन रहा है तो so हम नॉर्मली रियल लाइफ में इसी पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे लेकिन देखा जाए तो हो सकता है सी उपर, हमें तो लेकिन अपने में अगर स्पेसिफिकली बोला ना गया हो तो दोनों निकाल के बताएंगे एज पर सिंपल मेथड हमारा इतना टैक्सेबल बेनिफिट आएगा एज पर प्रिसाइज मेथड हमारा इतना टैक्सेबल बेनिफिट आएगा ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा होमवर्क है ये एक बार कर लेना अब नेक्स्ट आता है हमारा एग्जेंशन फॉर कॉमर्शियल लोन अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है सो so, so, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है ठीक है अब बैंक का तो काम ही लोन देना होता है सो so, अगर बैंक अपने एम्प्लॉय को लोन दे रही है सो इन दैट केस उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा दैट इज अ

कि जो टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने एम्प्लॉय के लिए लगाई है मतलब इंटरेस्ट रेट रीपेमेंट वगैरह सब कुछ अगर वो सब कुछ सेम है जो वो नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है देन इन दैट केस ये हमारी एग्जामेशन मिल जाएगी मतलब इस पर कोई भी टैक्स हमें नहीं कैलकुलेट करना क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट इंप्लॉय को है ही नहीं अ अब्सटैंशल नंबर ऑफ लोन ऑन दीज टर्म्स आर मेड टू पब्लिक कस्टमर कि जो ये टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लॉय को चार्ज कर रहे हैं वो ही सारी कंडीशंस जनरल पब्लिक को बेसिकली दोनों पॉइंट सेम ही है बस वो यही कह रहे हैं कि नॉर्मली बैंक इन्हीं कंडीशंस पे लोन देता है बाहर वालों को भी सो उन इन दैट केस हमारा क्या होगा दिस इज एन एग्जाम्शन सो दैट मीन्स इस पे नो टैक्सेबल बेनिफिट इस पे कोई भी टैक्सेबल बेनिफिट एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसेट्स प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय ये बहुत सिंपल है

जिस दिन हमने ये लोन फर्स्ट टाइम इम्प्लॉय को जिस दिन हमने ये एसेट इम्प्लॉय को फर्स्ट टाइम दिया था वेयर एम्प्लॉयर रेंट्स दी एसेट मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय मतलब जो हमारा एम्प्लॉयर है ये हमारा एम्प्लॉयर है इसने किसी से रेंट पे चीज़ ली हुई है मतलब ये इसका खुद का एसेट नहीं है इम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया हुआ है और ये इम्प्लॉय को फ्री में दिया हुआ है ठीक है ये इम्प्लॉय को फ्री में दिया हुआ है इन दैट केस हमारे लिए हायर ऑफ जितना इंप्लॉयर ने ऊपर रेंट पे किया है या तो वो अमाउंट या फिर जो ट्वेंटी परसेंट ये है ऑफ मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर दैट विल बी दिफिट ठीक है द प्रोविजन ऑफ वन मोबाइल फोन टू एन एम्प्लॉय इज एन एग्जाम बेनिफिट द अब रूल्स हाउर विल अपलाई टू एडिशनल मोबाइल फोन प्रोवाइडेड मतलब अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को एक मोबाइल फोन दिया है तो उस पर कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होगा इंप्लॉय के हैंड में लेकिन अगर इंप्लॉयर ने एक से ज्यादा मोबाइल फ़ोन दे दिए चाहे एक इसको दे दिया एक इसकी वाइफ को दे दिया तो जो एडिशनल मोबाइल फोन दिया है उसको हम बेनिफिट मानेंगे दोनों को नहीं मानेंगे बेनिफिट उस केस में हम इसको तो छोड़ ही देंगे इस पर तो टैक्सेबल बेनिफिट है ही नहीं एक मोबाइल पर जो एडिशनल मोबाइल दिया है उसको हम बेनिफिट मानेंगे और उसको हम टैक्स करेंगे दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू कार वैन एंड लिविंग अकोमोडेशन ये हम ऑलरेडी ऊपर चुके तो इसके बाद अब है है। एक। सिंपल इल्लस्ट्रेशन है। एक सिंपल बार इल्लस्ट्रेशन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है प्रोवाइडेड विद अ एट हंड्रेड इंटू ट्वेंटी परसेंट दैट मीन वन सिक्सटी हमारा हो जाएगा टैक्सिबल बेनिफिट वॉट इफ द्लॉयर रेंट्स दी कंप्यूटर फॉर टू थाउजेंड पर एनम इंप्लॉयर रेंट्स का मतलब ये नहीं है कि इंप्लॉयर ने इम्प्लॉय को रेंट पे दिया है नहीं ये कन्फ्यूज मत होना इसका मतलब है इम्प्लॉयर ने रेंट पे ये कंप्यूटर लिया हुआ है और आगे जाके इंप्लॉयज को कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो इंप्लॉयर इस कंप्यूटर के अगेंस्ट टू हंड्रेड पे कर रहा है और जो एनुअल टैक्सीबल बेनिफिट जो हमने ट्वेंटी परसेंट निकाला था वो था वन सिक्सटी तो रेंट पेड और टैक्सेबल बेनिफिट विच एवर इज़ हायर टू हंड्रेड विल बी टैक्स इन केस अगर हमारे पास बी ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है तो या तो हमारा बेनिफिट जो बनता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग या फिर एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज हायर अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज गिफ्ट ऑफ एन एसे अब गाय एक चीज जो हमने अभी तक पहले पढ़ी है उसमें क्या था कि इंप्लॉयर मैं इसको बोल देता हूं चलो रेड वाला इंप्लॉयर है और ब्लू वाला इंप्लॉय यह है एम्प्लॉयर ये है एम्प्लॉयर इंप्लौर ने इंप्लौर को कोई भी एसेट दिया है यूज करने के लिए मतलब जब तक तुम हमारी कंपनी में हो तुम यूज करो उसके बाद ये एसेट रिटर्न कर देना मतलब इसने ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया इसने ये नहीं बोला कि वो एसेट तुम्हारा हो गया कार तुम्हारी होगी परमानेंट नहीं ये मोबाइल तुम्हारा होगा उन्होंने बोला है कि तुम इस एसेट को जब तक कंपनी में हो यूज करो जब तुम कंपनी छोड़ के जाओगे तब तुम ये एसिड रिटर्न कर देना मतलब वो एसिड दिया नहीं है परमानेंटली इंप्लॉय को वो सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है चाहे प्राइवेट यूज है चाहे ऑफिशियल यूज है एम्प्लॉय को हमने कार दे दी कि तू जब तक हमारे पास जॉब कर रहा है ये कार यूज़ कर ये तेरी कार है लेकिन जिस दिन तुम छोड़ के जाओगे ये कार तुम्हें वापस करनी पड़ेगी तब तक जो मर्जी करो अपने घर पर खड़ी करो ठीक है सो दैट इज कॉल्ड यूज अब गिफ्ट ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने इंप्लॉयी को चीज़ ही गिफ्ट कर दी वो मोबाइल फोन परमानेंट गिफ्ट कर दिया आईफोन लेके कि भाई ये आईफोन तुम्हारा ये हमेशा के लिए तुम्हारा है चाहे तुम जॉब आज ही छोड़ दो डजेंट मैटर ठीक है तो दैट इज अ गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू इम्प्लॉय तो गिफ्ट के केस में क्या होता है इफ एन एम्प्लॉयर परचेज इज एन न्यू एसेट एंड गिव्स इट टू एम्प्लॉय इमिजिएटली कि परचेज करा आज मोबाइल और लेते ही इम्प्लॉय को दे दिया सीधा सीधा गिफ्ट दे दिया मतलब परचेज करके गिफ्ट दे दिया एम्प्लॉय को देन इम्प्लॉय इज टैक्स ऑन कॉस्ट टू द इम्प्लॉयर कि ये एसेट इंप्लॉयर को किस कॉस्ट पे पड़ा था जैसे आईफोन लेट से इंडियन करेंसी में उसको वन लाख ,00 का पड़ा था और उसने वन लाख इंप्लॉय को साथ ही मोबाइल लिया और इम्प्लॉय को दे दिया तो ये वन लाख ,00 का वन लाख एम्प्लॉय के हाथ में पूरा पूरा टैक्स हो जाएगा दैट इज कॉस्ट टू द इम्प्लॉयर जितने का इम्प्लॉयर को पड़ा था दूसरा अगर मान लो अब यहां पे एक इन्होंने लाइन कल दिखी हुई है वेयर द एसेट इज यूज बाय एन इंप्लॉय नहीं एम्प्लॉय नहीं है ठीक है, इंप्लॉय और एम्प्लॉय अब इसको एक बात बोल सकते हैं एम्प्लॉय या चलो इसका एम्प्लॉय से ही समझते हैं वो ज्यादा बेटर समझा देखो अब ये तो था फर्स्ट केस कि इंप्लॉयर ने मोबाइल खरीदा इंप्लॉय को दे दिया या कार खरीदी कार का एग्जाम्पल आई थिंक वुड बी बेटर एग्जाम्पल कि कार खरीदी और कार खरीद के सीधा सीधा इंप्लॉय को दे दी तो, तो हम गिफ्ट ऑफ एसिड मानेंगे तो ये कार जितने की इंप्लॉय को पड़ी थी उतना का पूरा इंप्लॉयी के हाथ में हम टैक्स कर देंगे अब अगर मान लो पहले इंप्लॉई एम्प्लॉयर ने ये कार इंप्लॉय को दी थी फॉर यूज यूज के लिए दी थी ठीक है दो साल हो गए यूज करते हुए दो साल बाद एम्प्लॉयर ने बोला कि काम कर ये कार तू अपने पास ही रख ले परमानेंट तेरी हो गई अब एक तरह से उसको गिफ्ट कर दी या दे दी परमानेंटली गिवन सो दिस इज परमानेंटली ट्रांसफर्ड कि पहले जो ये कार थी ये सिर्फ यूज़ के लिए दी थी इम्प्लॉय को कि तू तो दो साल तीन साल चार साल इसको यूज़ कर जब छोड़ के जाएगा तो वापस कर दियो दो साल बाद इम्प्लॉयर ने क्या किया कि ये कार तुम ही रख लो परमानेंट बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉई को कंपनी में टिकाने के लिए शायद ऐसे कर दी होंगी कि वो इंप्लॉयर को बोल इम्प्लॉय को बोलती होंगी एम्प्लॉयर कि देखो हम आपको एक कार देंगे लेकिन अगर आप हमारी कंपनी तीन साल से पहले छोड़ के जाओगे तो आपको वो कार हमें वापस करनी पड़ेगी और अगर हमारी कंपनी में आप तीन साल टिक गए तो ये कार आपकी परमानेंट हो जाएगी बोल सकती है ना लालच दे सकती है इम्प्लॉय एम्प्लॉय को तो अगर कंपनी वालों ने इम्प्लॉय को पहले कार यूज के लिए दी डेट से एक साल दो साल तीन साल और उसके बाद साथ ही वो कार परमानेंटली ट्रांसफर कर दी तो उस केस में इम्प्लॉय के हाथ में जिस डेट को परमानेंटली ट्रांसफर की है कितना टैक्स होगा क्यों क्योंकि इंप्लॉयर ने तो कार महंगी परचेज की थी

<coughs> <coughs> या गिफ्ट तो या तो जिस दिन हमने इंप्लॉय को ये गिफ्ट किया उस दिन एसेट की मार्केट वैल्यू क्या थी गिफ्ट वाले डेट पे या तो वो वैल्यू या फिर जिस डेट को इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को फर्स्ट टाइम वो एसेट दिया था व्हेन मार्केट वैल्यू व्हेन द फर्स्ट मेड अवेलेबल टू दॉ के मार्केट वैल्यू ध्यान से सुनना मार्केट वैल्यू जिस दिन इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को इसको मैं ए बी बोल देता हूं कि मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर और जिस दिन इंप्लॉय को यूज के लिए फर्स्ट टाइम यूज के लिए दिया था उस डेट को मार्केट वैल्यू क्या थी माइनस ऑल बेनिफिट टैक्स ऑन द इंप्लॉय ड्यूरिंग द टाइम ही शी हैड ऑफ इट इट बट डिड नॉट ओन मतलब ए से बी आने के लिए जितने टाइम के लिए तीन चार साल चार साल पांच साल जितने टाइम के लिए इंप्लॉय ने वो एसेट यूज किया है ट्रांसफर होने से पहले तो जितना हमने बेनिफिट हर साल इनकम टैक्स में डाला था जैसे एक साल में फर्स्ट ईयर जैसे 2021 में या 2017 में हमने एम्प्लॉय को कार दी एग्जांपल देता हूँ 2017 में हमने एम्प्लॉय को कार दी फॉर यूज़ उसने 17 में भी यूज़ करी 18 में भी यूज़ करी 19 में भी यूज़ करी 20 में भी यूज़ करी 21 में हमने उसको वो कार गिफ्ट कर दी तो जिस डेट को हमने उसको सेवनटीन को कार दी थी उस डेट की मार्केट वैल्यू हमने हर साल यहां पे भी बेनिफिट निकाला था यहाँ पे भी बेनिफिट हर साल हमने कुछ ना कुछ बेनिफिट इंप्लॉय के केस में टैक्स किया था तो जो मार्केट वैल्यू जिस दिन इंप्लॉयर को दी थी इंप्लॉय को दी थी उस दिन माइनस जितने बेनिफिट्स हमने आज तक जब तक हमने कार गिफ्ट की है उससे पहले जितने भी बेनिफिट्स इंप्लॉय के हाथ में टैक्स कर दिए वो हम इसमें से माइनस कर देंगे और हमारी जाएगी नेट वैल्यू ऑन द स्टेट गिफ्ट से पहले तो मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट मेड अवेलेबल टू द इम्प्लॉय माइनस ऑल बेनिफिट टैक्स ड्यूरिंग द टाइम द इम्प्लॉय यूज इट बिफोर द गिफ्ट सो वो हमारा आ जाएगा केस नंबर बी सो दोनों में से विच एवर इज हायर वुड बी टैक्सेबल पार्ट एंड दैट विल बी बेनिफिट इट इज विल बी टैक्स इन देंड ऑफ द्लॉय दर्पज ऑफ स्पेशल रूल ऑफ गिफ्ट फॉर यूज ऑफ एसिड इज टू प्रिवेंट इम्प्लॉय गेनिंग फ्रॉम गिफ्ट एन एसिड दैट्रिशिएट दैल्यू रैपिडलीयर दीवन टू एन एम्प्लॉय इज अड कार वैन और अ बाईसाइकल प्रोवाइड फॉर जर्नीज टू वर्क द अबव रूल डज नॉट अप्लाई इनसे टैक्सेबल बेनिफिट ऑलवेज विल बी दी मार्केट वैल्यू ऑन दर इसका मतलब क्या है कि अगर एसेड हमने यूज कार हमने एम्प्लॉयर ने यूज करी हुई है कार वैन और बाइसाइकिल जो सिर्फ एम्प्लॉय को दी गई है कि तू यहां से इस पे घर जा और घर से इस पे वापिस आ इन दैट केस ये रूल अप्लाई नहीं होता वहां पे हमेशा मार्केट वैल्यू ही टैक्सेबल होगी ठीक है अब वो तो हमने गिफ्ट कर दिया अब मान लो एक एम्प्लॉय था उसके बाद बेचारे के पास रोज वो बस से आता था और बस का रूट कंस्ट्रक्शन वो रोड खराब होती थी तो वो बस आनी बंद होगी ना कोई टैक्सी चलती थी ना ऑटो चलती थी तो इम्प्लॉयर को बड़ी दिक्कत आने लगी कि यार इंप्लॉय तो आता ही नहीं है तो इंप्लॉयर ने इसके बाद घर पर गाड़ी खड़ी थी उसने इंप्लॉय को दे दी कि ये ले कार तू रख ले अपने पास कोई चक्कर नहीं है तो इसमें आ जाएगा सो दैट इज सिर्फ अगर जर्नी टू वर्क के लिए उसको गाड़ी दी गई है गिफ्ट वाली कार उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी सब कुछ हो गया लेकिन मोस्टली इसका जो पर्पस है वो गिफ्ट के लिए है ट्रैवल के लिए है ऑफिस से घर घर से ऑफिस के लिए तो उस पर ये रूल नहीं लगता ये वाला रूल वो सिंपल सिंपल जिस डेट को हमने उसको गिफ्ट की है

बस ब्रायन को गिफ्ट कर दिया और जिस दिन गिफ्ट किया उस दिन मार्केट वैल्यू थी 150, कि ब्रायन के एम्प्लॉयर ने डिश वॉशर परचेज किया था 1 जून 2020 को फॉर कॉस्ट और अप्रैल 2021 को वो जो था उसको क्या कर दिया अच्छा इसमें इन्होंने ये गलत बोला हुआ है फॉर हिज यूज मतलब ब्राइन यूज के एम्प्लॉयर ने एक डिश वॉशर परचेज किया था और वो ब्रायन को दे दिया था यूज करने के लिए ऑन फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी उन्होंने वो डिश वॉशर पर्माटली ट्रांसफर कर दिया कि वो जो डिश वॉशर तुम्हें यूज करने के लिए दिया था ना वो तुम रख लो तुम्हारा हो गया जो मर्जी करो काटो फाड़ो जलाओ तोड़ो फेंको जो मर्जी करो इट्स योर नाउ तो इस केस में पहला कैलकुलेट बेनिफिट देनिफिटिबल ऑन ब्रायन फॉर द गिफ्ट ऑन द डिश वॉशर फॉर द्वेंटी ट्वेंटी वन अब सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर जिस दिन ट्रांसफर किया है उस दिन मार्केट वैल्यू कितनी थी उस दिन मार्केट वैल्यू थी 150 फिफ्टी यह तो आता है केस नंबर वन दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जिस दिन इंप्लॉई को फर्स्ट टाइम एसेट यूज करने के लिए दिया था तो मार्केट वैल्यू ऑन फर्स्ट यूज दैट वाज 600 पाउंड्स माइनस जितने हमने बेनिफिट्स टैक्स किए हुए हैं अभी तक तो हमने एक ही साल ट्वेंटी ट्वेंटी में ही परचेज किया है

फर्स्ट जून को एसेट दिया गया है ठीक है तो पिछले साल यानी ट्वेंटी 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 वन में एसेट जो इंप्लॉय ने अपने पास रखा है वो सिर्फ दस महीने रखे हैं तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे पूरा पूरा बेनिफिट तो वन ट्वेंटी इंटू टेन डिवाइड बाई ट्वेल्व दैट मीन्स हंड्रेड तो इंप्लॉयी के हाथ में ऑलरेडी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हमने हंड्रेड बेनिफिट डाल दिया होगा तो मार्केट वैल्यू फर्स्ट यूज की थी सिक्स हंड्रेड माइनस बेनिफिट टैक्स 2020 2021 2020 2021 में हमने 100 ऑलरेडी बेनिफिट टैक्स कर दिया था ऑप्शन so इज तो हमारा होना चाहिए 500 तो विच एवर इज हायर ऑफकोर्स फाइव हंड्रेड वुड बी टैक्सेबल अमाउंट ठीक है आगे वॉट वुड बी दसेसिबल बेनिफिट इफ ब्रायन हैज़ है डिशवॉशर कि ब्रायन ने डिश वॉशर के नाम के उनको हंड्रेड डॉलर दिए भी थे अब देखो हमारा यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूज वॉश कितना था हमने हमारा टैक्सीबल बेनिफिट कितना हुआ फाइव हंड्रेड तो इन दोनों में से पहली बात तो हम फाइव हंड्रेड यूज़ करेंगे अब फाइव हंड्रेड में से ब्रायन ने हंड्रेड डॉलर डिश वॉशर के दे भी दिए तो जब हंड्रेड वॉशर हंड्रेड डॉलर या हंड्रेड पाउंड सॉरी ब्रायन ने पे कर दिए सो दैट मीन्स फोर हंड्रेड ब्रायन के आदमी हाँ टैक्सेबल होगा ऑब्वियस ही बात है ना Brian को बेनिफिट मिला था हमने था 500 लेकिन उसमें से बिचारे ने हंड्रेड पाउंड ऑलरेडी को दिये दिये कि देखो गिफ्ट के नाम पर पूरा नहीं रख सकता आप 100 रख लो। तो उसको तो मिला है वो तो फोर हंड्रेड विल बी अगर बी ऑप्शन हम चूज करते हैं ठीक है क्वेश्चन so तो ये हमारा पूरा चैप्टर क्लोज होता है अब इस चैप्टर को अच्छे से करो एंड आई मेक द वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट मोस्ट अर्ली आई ट्राई टू डू इट टूमोरो ओनली ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस पर प्लीज़ ध्यान देना शेयर माई चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट तो प्लीज तुम उससे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम